क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के पहले दोनों मैच जीत लिए हैं, सीरीज पर कब्जा जमा लिया। अब यहां भारत की सीरीज जीत से ज्यादा चर्चा हो रही है गौतम गंभीर के अनकहे अनचाहे फैसलों की, जो कि T20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव पर भारी पड़ रहे हैं। हालात ये कि गौतम गंभीर IPL की तरह डगआउट से गेम चला रहे हैं, सूर्या को कुछ भी करने नहीं दे रहे। यहां तक कि टीम सिलेक्शन में सूर्या का कोई ना रोल है, ना ही बैटिंग ऑर्डर में रोल है और ना ही बॉलिंग चेंज और फील्डिंग चेंज में सूर्या कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि गंभीर डगआउट से ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन गंभीर को अब मिला है मुंहतोड़ जवाब, क्योंकि वनडे सीरीज के लिए लंका पहुंचे रोहित शर्मा ने, वनडे के कप्तान जो हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया गौतम गंभीर को कि मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा, क्योंकि कप्तान मैं हूँ। अभी बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको लंका से बता रहे हैं, सब कुछ दिखाते हैं बताते हैं। आप भी वीडियो पर अपनी राय जरूर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो पहले T20 के बाद दूसरे T20 को भी भारत ने जीत लिया। बारिश से प्रभावित मैच में डकवर्थ लुइस नियम के तहत टीम इंडिया को बेहद आसान टारगेट मिला और भारत की आसान जीत भी हो गई। अब पहले दोनों मैच टीम इंडिया ने जीत लिए, सीरीज में अजय बढ़त बना ली, लेकिन चर्चा इस बात की नहीं है बल्कि चर्चा गंभीर के फैसलों की हो रही है, जिसमें कप्तान सूर्या का कोई रोल ही नहीं है। जी हां, सिर्फ नाम के कप्तान सूर्या बनाए गए और गंभीर फुटबॉल की तरह मैदान के बाहर से गेम चला रहे हैं। टीम का सिलेक्शन गंभीर के मुताबिक हुआ और इसीलिए लगातार रियान पराग को प्रमोट किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, जबकि सुंदर शिवम दुबे रिंकू के साथ लगातार धोखा हो रहा है। वो तो शुभमन गिल को चोट लग गई और इसीलिए संजू सैमसन को बतौर ओपनर मौका मिला, नहीं तो संजू भी बेंच पर ही बैठते। हालांकि संजू दुर्भाग्यशाली जरूर रहे और पहली बॉल पर चलते बने, लेकिन गंभीर के फैसलों पर सवाल उठने लगे। मैच में अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज जो कि मेन बॉलर से, उनसे सिर्फ 3-3 ओवर बॉलिंग कराई गई, लेकिन रियान पराग से पूरे 4 ओवर बॉलिंग कराई गई। वो सिर्फ इसलिए कि कैसे न कैसे रियान पराग टीम में फिट हो जाए, चाहे बॉलिंग में चाहे बैटिंग में, कहीं न कहीं तो चल पड़े। इसीलिए उन्हें लगातार बॉलिंग भी कराई जा रही है, बैटिंग भी कराई जा रही है। इतने नहीं, गेंदबाजी में भी हार्दिक पांड्या जैसे सीनियर और असरदार बॉलर को बिल्कुल आखिर में गेंदबाजी दी गई, जबकि रियान पराग को उनसे काफी पहले और विश्नोई से भी पहले बॉल थमाई गई। अभी सब कुछ सूर्य कुमार यादव खुद नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैदान के बाहर से गंभीर ये सब कुछ कर रहे हैं। हर ओवर के बाद गौतम गंभीर अपना मैसेज ग्राउंड तक भेज रहे हैं, जो कि हैरान करने वाला, और उसके बाद ही सूर्य कुमार यादव और उस पर फैसला कर रहे हैं। टीम की बैटिंग लाइन गंभीर तय कर रहे हैं, टीम की बॉलिंग गंभीर के मुताबिक हो रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वनडे टीम में कप्तान रोहित शर्मा के आने के बाद क्या यहां भी गंभीर ऐसा ही करेंगे? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। जी हां, गंभीर को ये छूट वनडे मैचों में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि रोहित शर्मा श्रीलंका पहुंच गए हैं। रोहित और विराट के आते ही श्रीलंका में मीटिंग हुई है, जिसमें रोहित शर्मा ने साफ साफ कह दिया है कि कोच का काम मैदान से बाहर का है, स्किल्स को बेहतर करने का है, मैदान में जाकर क्या करना है ये काम खिलाड़ियों का है और कप्तान का है। रोहित ने मीटिंग में साफ तौर पर कहा कि कप्तान और खिलाड़ियों का काम उन पर ही छोड़ दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, और कोचेज यानी कि कोचिंग स्टाफ अपना काम करे तो वो ज्यादा बेहतर है। यानी कि दो टूक शब्दों में रोहित ने कह दिया कि गंभीर को ज्यादा छूट वो बिल्कुल भी नहीं देने वाले हैं, वो कप्तान है और वही तय करेंगे कि मैच में क्या होगा, कौन सी टीम होगी, कौन बल्लेबाज होंगे और कौन कौन बॉलर होंगे। यानी कि गंभीर की जो मनमर्जी सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में चल रही है वो आगे नहीं चलने वाली है। रोहित ने इस पर आते ही ब्रेक लगा दिया और वनडे मैचों के दौरान गंभीर चुपचाप कोने में खड़े दिखे या कोने में चुपचाप बैठे नजर आए तो हैरानी नहीं होगी। इससे भी बड़ी बात है, गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच में पहली सीरीज में तलवारें खिंच गई हैं और आगे ये मुश्किल और ज्यादा बढ़ सकती है। गंभीर अपना मनमाना रवैया, तानाशाही वाला रवैया ठीक नहीं करते हैं तो रोहित के साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला है, और बहुत ज्यादा दिन तक रोहित की मर्जी के खिलाफ गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि रोहित को अभी वनडे और टेस्ट मैचों में लंबे समय तक कप्तानी करनी है। राहुल द्रविड़ के लिए टीम में जो आदर का भाव था, रोहित शर्मा के दिल में भी वही था, और रोहित शर्मा के गेम में, उनके फैसलों में राहुल द्रविड़ ने कभी भी कोई दखल नहीं दिया। फैसले हमेशा रोहित के ही होते थे और पीछे से राहुल द्रविड़ पूरा सा बैक करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यही नहीं, इससे पहले जब विराट कोहली कप्तान थे तो अनिल कुंबले ने उन पर थोड़ा सा ज्यादा हावी होने की कोशिश की थी, तो विराट कोहली ने अनिल कुंबले को कोचिंग से हटवा दिया था, और ऐसा ही यहाँ भी हो सकता है अगर गौतम गंभीर रोहित शर्मा पर ज्यादा हावी होने की कोशिश करेंगे, रोहित को ज्यादा दबाने की कोशिश करेंगे, अपने फैसले थोपने की कोशिश करेंगे, तो रोहित इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं और गंभीर को यहाँ पर बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप क्या मानते हैं, क्या कोच को मैदान के बाहर से गेम चलाना चाहिए, गंभीर ठीक कर रहे हैं, या फिर कप्तान और खिलाड़ियों पर ही मैच छोड़ देना चाहिए, रोहित शर्मा ठीक करें? आपका क्या मानना है, कौन है सही, गौतम गंभीर या फिर रोहित शर्मा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो सूर्य कुमार यादव जब टॉस के लिए आए और उसके बाद उन्होंने टीम बताई तो सब हैरान थे, क्योंकि टीम में रियान पराग को चुना गया था और जिनको चुना जाना चाहिए था, जो कई सालों से मैच खेलने का इंतजार कर रहे थे, उनको सीधे सीधे बाहर कर दिया, साइड लाइन कर दिया। अब सवाल सिर्फ इतने पर नहीं है, बल्कि हद तो तब हो गई जब बैटिंग के दौरान भी रियान पराग को बल्लेबाजी के लिए पहले भेज दिया और वो भी डेथ ओवर्स में, जहां पर कि रियान पराग पूरी तरह से फेल हो गए, फ्लॉप हो गए। क्योंकि तुर्रा यही था कि रियान पराग इस बार भी फेल हो गए, 7 बॉल खेली, सिर्फ 6 रन बनाए और इसका नतीजा ये हुआ कि टीम इंडिया के 3 खिलाड़ियों को यहां पर एक तरह से बर्बाद करने की सुपारी ले ली, ऐसा कहा जाने लगा। गंभीर पर सवालों की बौछार शुरू हो गई। दिग्गजों ने यहां तक कह दिया कि गंभीर ने इन 3 दिग्गजों को टीम से बाहर करने की सुपारी ले ली है। पहला नाम है वॉशिंगटन सुंदर, जिम्बाब्वे सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज रहे सुंदर, जडेजा के संन्यास के बाद उनकी जगह भरने के लिए सबसे परफेक्ट थे। फील्डिंग में परफेक्ट, बल्लेबाजी में परफेक्ट, गेंदबाजी में परफेक्ट और फर्स्ट चॉइस उन्हें होना भी चाहिए था। लेकिन गौतम गंभीर को सुंदर की शक्ल ही पसंद नहीं है और इसीलिए, जी हाँ, यही वजह थी, इसके अलावा कोई और वजह हो ही नहीं सकती है। गंभीर को सुंदर की शक्ल पसंद नहीं, इसीलिए पिछली सीरीज के हीरो को यहाँ सीधे सीधे टीम से ही बाहर कर दिया और वो भी फ्लॉप रियान पराग की कीमत पर, जिसने अपने जीवन में सिर्फ इस बार के आईपीएल में कुछ रन बनाए। इसके अलावा बाकी रियान पराग की कोई उपलब्धि नहीं है, यानी कि गंभीर ने सुंदर को जो बचा खुचा करियर है उसे भी खत्म करने की सुपारी ले ली है। दूसरा नाम है शिवम दुबे, तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर शिवम दुबे को बड़ा झटका यहाँ पर दिया। बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग का भी विकल्प देने वाले और वर्ल्ड कप की विनिंग टीम में शामिल शिवम दुबे को भी गौतम गंभीर ने आते ही साइड लाइन कर दिया, साइड कर दिया और गंभीर ने दुबे को खत्म करने की ठान ली, इसीलिए तो दुबे को बाहर किया गया और उसी सुपर फ्लॉप रियान पराग की कीमत पर। तीसरे दिख रिंकू सिंह, क्योंकि रिंकू लंबे समय से टीम के अंदर है, लेकिन हालात देखिए, जब डेथ ओवर्स में भारत का विकेट गिरा तो बारी रिंकू सिंह के जाने की थी मैदान में, लेकिन गौतम गंभीर ने रिंकू को रोक दिया, रियान पराग को भेज दिया ताकि अपना फैसला जस्टिफाई कर सके कि रियान पराग अच्छा खेलने वाले हैं। लेकिन रियान पराग तो पराग है, उनको फेल होना ही था, वो फेल हो गए और साथ ही साथ रिंकू सिंह पर भी ग्रहण लगा दिया, क्योंकि जब रिंकू बैटिंग के लिए आए तो सिर्फ 11 बॉल ही बची थी, यानी कि रिंकू के पास कुछ करने को था ही नहीं और उन्हें लगातार यहाँ टारगेट किया गया। अब रिंकू सिंह टीम में मौजूद थे क्योंकि उनको टीम से बाहर किया नहीं जा सकता था, उनको बाहर किया जाता तो बवाल हो जाता, लिहाजा वो टीम में जरूर थे, लेकिन उनको भी खत्म करने की पूरी पूरी कोशिश की गई, इसीलिए तो 7वें नंबर पर जाकर रिंकू सिंह को बल्लेबाजी का मौका मिला। अब रियान पराग पर आते हैं कि आखिर कौन सी सिफारिश है, आखिर ऐसा क्या रियान पराग के अंदर है कि उसे T20 और वनडे टीम दोनों में ही पहले चुना गया और अब दिग्गजों को बाहर करके सीधे पहले ही मैच में रियान पराग को खिला भी दिया गया। तो माना जा रहा है कि BCCI के अंदर रियान पराग का कोई बड़ा जुगाड़ है, इसीलिए तो वो हर बार खराब खेलने के बाद भी राजस्थान रॉयल्स के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लेते थे। और यही नहीं, इस बार तो गौतम गंभीर ने सीधे सीधे दोनों टीमों में रियान पराग को चुन लिया और रियान पराग को वो पसंद करते हैं, पहले भी गौतम गंभीर बता चुके हैं। लेकिन पसंद या नापसंद से टीम का सिलेक्शन नहीं होता, बल्कि परफॉर्मेंस से होता है, जिसमें रियान पराग सुपर फ्लॉप है, क्योंकि जिम्बाब्वे दौरे में पहली बार रियान पराग को टीम इंडिया में चुना गया था, वहां 3 मैच खेले जिसमें 2 बार उनको बल्लेबाजी मिली। जिम्बाब्वे जैसे कमजोर बॉलर्स के सामने रियान पराग की हालत खराब थी, पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो गए। यहां पर भी उनका बल्ला फूसी हो गया और अब तक 4 T20 इंटरनेशनल मैच रियान पराग खेल चुके हैं, कुल मिलाकर सिर्फ 31 रन बनाए हैं, औसत सिर्फ 10 का है, तो स्ट्राइक रेट भी 90 के आसपास, यानी कि ना रन बनाए हैं ना औसत है ना ही स्ट्राइक रेट, फिर भी रियान पराग को झेला जा रहा है, उनको बड़ा खिलाड़ी कहा जा रहा है, उनको मैच विनर कहा जा रहा है, उनको एक्सपेक्टर कहा जा रहा है, क्योंकि रियान पराग का बड़ा जुगाड़ है और गौतम गंभीर उनको पसंद करते हैं, उनकी शक्ल को पसंद करते हैं। अब आप बताइए, रियान पराग को रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे से पहले खिलाना, लगातार खिलाना, वो भी सुपर फ्लॉप होने के बाद, क्या सही है या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।